Thank you, Pratik. Thank you very much. Good morning, MCL. Good morning, team members. सभी को मेरा सादर प्रणाम. आज इस मंच पर आते हुए बहुत हर्ष महसूस हो रहा है. कम समय में मुझे ये उपलब्धि मिली कि MCL के पूरे परिवार को संबोधित करने के लिए मुझे मौका दिया गया. मैं इसलिए तहे दिल से MCL परिवार का और MCL मैनेजमेंट का आभारी हूँ. आगे चलते हुए मैं ये बताना चाहूंगा, लेट मी शेयर करता हूँ. एजुकेशन मुंबई यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस में किया था और शुरू से जैसे प्रतीक ने बताया कि चैलेंज से स्टार्ट किया था करियर को, तो उस आधार से मुझे चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ने का जीवन का मेरा प्रयास रहा था. इस दौरान एक ही लक्ष्य था कि मुझे कहीं ना कहीं विदेशों के अंदर मुझे एक मार्केटों की स्थान बनाना चाहिए अपना और अपनी कंपनी का. दूसरी रीति से मैंने एक्सपोर्ट के अंदर ही ज्यादातर मेरा डोमेन रहा पूरा करियर के दरमियान. और पिछले कुछ वर्षों से मैं केमिकल एग्रोकेमिकल से खास करके जुड़ा रहा था और तभी सब अनुभव के आधार से मुझे लगा कि मुझे कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर में भी करना चाहिए, क्योंकि केमिकल के उपयोग से ही हम देखते आए हैं कि कितना भले हम प्रोडक्शन कितना भी ऊपर ले जाए लेकिन आफ्टर ऑल एनवायरमेंट को हम हानि पहुंचाते हैं. तो इस प्रकार से मेरा लक्ष्य था. तो पिछले दो साल से अधिकतर मैं चाहता था कि मैं कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर में करूं. तो इसी दौरान मुझे MCL से परिचय हुआ और मैं MCL से मिशन विजन को देखते ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे तुरंत ज्वाइन करना है. विद इन वन मंथ मैंने ज्वाइन कर लिया था और ये मुझे बहुत ही अनुभव रहा कि जब आपकी नीयत साफ हो, आपकी कुछ इच्छा हो करने की, तो आप तुरंत ऐसे रास्ते आपके मिल जाते हैं कि आपके दरवाजे खुल जाते हैं कि आप उसकी दिशा में बढ़ जाते हैं. तो इसी प्रकार मेरा MCL से फिर जुड़ना हुआ और आगे फिर मैं जब MCL में आने के बाद मुझे पता चला, सब देखने का स्टडी किया, तो मुझे सबसे अच्छा पहले लगा पूरा ये परिवार मैनेजमेंट का. देखते ही मुझे बहुत हर्ष हुआ. सर्वप्रथम मैं अपने चेयरमैन जी श्रीमती मीरा शिवाजी गोलप को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने ऐसी प्रेरणा दी. जैसे भगवान ने भी कहा था कि सृष्टि का नया सर्जन करते हैं, तो माताओं के ऊपर उन्होंने कलश रख कर हुए और माताओं को आगे रखा था. इसी प्रकार मीरा जी ने अपने सामने शिवा श्याम शिवाजी गोलप को रखते हुए इन्होंने आगे बढ़ाया हमें और ये बड़ा सुंदर परिवार दिया. और इस प्रकार से मैं शुक्रगुजार हूँ श्याम शिवाजी सर का भी कि जिन्होंने ऐसे रिसर्च करते हुए एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की, एक ऐसे बिजनेस मॉडल डेवलप किया कि हम आज पूरे भारतवर्ष को और नहीं कि भारत ही बल्कि विदेशों को भी हम एक मिसाल बनके उभरेंगे इस रीति से. और पूरा अपना परिवार को एक प्रकार से एक अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म विश्व भर में मिलने वाला है. साथ ही साथ आगे चलते अगर देखें तो धन्यवाद इनका भी करना चाहिए जो हमारे परफेक्ट एक बैलेंस टेक्नो कमर्शियल टीम हमें मिली है, डॉक्टर लवेश जाधव जी, मिस्टर प्राची ढोले जी और मंगेशर जी. मंगेशर जी का मैं क्या कहूँ, उनको मिलते ही एक अलग ही अनुभव हुआ मुझे, बहुत ही अच्छा लगा. और उनसे जिस दिन इंटरव्यू हुआ उस दिन भी उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बात की थी और बहुत अच्छा लगा कि मैं कहीं और नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई मैनेजमेंट का इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई अपने अपने लोगों से बात कर रहा हूँ. इस प्रकार का अनुभव रहा उनके साथ. उनसे पर्सनल मीटिंग हुई तो और ही कुछ अनुभव रहा. तो ये मैं घर में आ गया ऐसा मुझे अनुभव. इस प्रकार मैं पूरे MCL मैनेजमेंट टीम का, परिवार का, सभी का आभारी हूँ. आगे अभी देखते हैं कि आज के विषय में हम क्या बोलेंगे, हम क्या चर्चा करना चाहते हैं. उससे पहले मैं शुक्रगुजार रहूंगा अपने डेडिकेटेड टीम, वाइब्रेंट टीम जो है मेरी, प्राइम BDA कार्तिक सर जी और मेरे सीनियर BDA किशोर पंड्या जी. इन्हों का साया मतलब एक माता पिता की तरह साया है मेरे लिए, क्योंकि इनको मिलके ही मुझे ये पूरा परिवार के अंदर मुझे कैसे काम करते हैं, कैसे करना है, ये पूरी सीख मिली. तो इनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया. आज का हमारा टॉपिक है मिलेट फार्मिंग, अर्थात मोटे अनाज की खेती करना. ये एक विषय, वैसे तो मेरा बैकग्राउंड ज्यादा एग्रीकल्चर का नहीं है, फिर भी मेरे रुचि रहने की वजह से मैंने इस सब्जेक्ट को लिया है. और इस सब्जेक्ट को लेने के पीछे रहस्य ये है कि इसके अंदर हमें बहुत कुछ फायदे मिल सकते हैं इस प्रोडक्ट लाइन को डेवलप करने से. तो उस रीति से मैंने इस टॉपिक को चूज किया. जब भी मुझे MCL से कहा गया कि आपको कुछ टॉपिक के ऊपर बोलना है, तो मुझे पहले ही स्ट्राइक हो गया कि मुझे इस टॉपिक को बढ़ाना है आगे. जैसे कि
हमें सब पता है कि यूनाइटेड नेशंस ने इस वर्ष को अभी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स करके मनाया जा रहा है। इसके लिए हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं भारतवर्ष के अंदर और विश्व भर में अनेक संस्थाओं ने बनाए हैं ताकि इसका प्रमोशन ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको किस रीति से जीवन की अपनी जो डाइटिंग सिस्टम है उसके अंदर इसको इस्तेमाल करते हुए हम इसको आगे बढ़ाते हुए और किसानों को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं इसके बारे में इसके लिए यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं विश्व भर के अंदर। तो हम ये इस मंच के द्वारा भी हम इस प्रोग्राम को ऐसे बढ़ावे कि जैसे कि हमको भी एक विश्व के अंदर कुछ हमने सेवा दी है, विश्व के लिए हमने कुछ किया है, इस प्रकार से हमें पता चल सकता है और हमको भी एक आनंद मिल सकता है कि हमने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया विश्व की व्यवस्था के अंदर। और भारतवर्ष के अंदर इसका प्रपोजल गवर्नमेंट के द्वारा इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस को दिया गया था और उसको स्वीकृति मिलते हुए भारत को भी 72 देशों की स्वीकृति मिल गई। तो इस प्रकार से ये बहुत ही अहम और बहुत ही मुख्य रूप से एक उत्सव की तरह उसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। आगे देखें तो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या हमारे लिए प्रावधान रखे हैं तो इसके अंदर हम बात करेंगे। इसके अंदर हम आगे देखेंगे कि हमको कौन से डिपार्टमेंट हमको हेल्प कर सकते हैं, प्लस प्रोडक्ट के नॉलेज के हिसाब से भी हम इसके क्या क्या वेराइटीज है वो हम आगे चलकर अभी देखेंगे। और इसको भारत सरकार तो इसे अपना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है कि पूरा इंडिया के अंदर इसकी खेती बढ़े ताकि विदेश में और विदेश में इसको एक अलग स्थान मिले और प्लस जो भी कुपोषण था मेल न्यूट्रिशन का समस्या है उसको भी हम हल कर सके और साथ ही साथ हमारे किसानों को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, किसानों की आय कैसे बढ़ा सकते हैं, एक ये प्रोडक्ट मिलेट के प्रोडक्ट को लेकर भी हम कर सकते हैं उसके बारे में भी हम आज देखेंगे। जैसे कहा कि यूनाइटेड नेशंस इस प्रोडक्ट को क्यों बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट है और उसका अहम भूमिका है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। और ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूनाइटेड नेशंस के 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको काफी हद तक उसको सपोर्ट करता है, इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने इसको बड़े पैमाने के ऊपर उसको आगे बढ़ाने के लिए अपने को प्रेरणा दी है और भारतवर्ष को इसके लिए निमित्त बनाया है। आगे देखेंगे तो ये क्यों इतना अहम है, इसके हेल्दी डाइट है। हेल्दी डाइट मतलब क्या होता है कि हमारे जो रोजिंदा जीवन के अंदर हम जो खाना खाते हैं वो खाना के अंदर इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करने से हमारे डाइट में जो फाइबर होना चाहिए वो फाइबर की मात्रा बढ़ती है, प्रोटीन की मात्रा एंटीऑक्सीडेशन के लिए बढ़ता है, प्लस जो शुगर लेवल जो होता है उसके लिए हाई ब्लड शुगर के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये और ये बहुत ही न्यूट्रिशन वैल्यू है इसकी और वेरी कॉस्ट इफेक्टिव से इसकी खेती की जा सकती है। प्लस ये कम पानी में ड्राई क्लाइमेट के अंदर भी इसकी अच्छी से अच्छी खेती होती है और ये हमें कम पानी में अगर खेती करना चाहे ऐसे ऐसे विभागों के अंदर हम इसको बढ़ावा कर सकते हैं। प्लस ये जो क्लाइमेट चेंज के अंदर भी बहुत मदद करता है क्योंकि इसका जो वैल्यूज है प्रोडक्शन के अंदर वो वैल्यूज के आधार से क्लाइमेट चेंज के अंदर भी हमें बहुत राहत मिलती है, एनवायरमेंट को सपोर्ट करता है। आगे देखते हैं कि ये छोटे छोटे किसान भी इसे कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर लागत कम लगती है, इसकी बड़ी कोई लागत नहीं है कि ताकि किसान कर न सके, हर कोई किसान छोटा मोटा किसान कर सकता है और अपनी आजीविका के अंदर वो इम्प्रूवमेंट ला सकता है। इस प्रकार से छोटे किसान को अगर हम बढ़ोतरी देवे, छोटे किसान को हम प्रोत्साहित करें तो इसके बारे में हम उसको किसान की आय के लिए हम आगे बढ़ा सकते हैं। आगे देखते हैं तो ये फूड सिक्योरिटी में बहुत मदद करता है। आज विश्व भर के अंदर कई जगह पे कितने सारे देशों के अंदर अनाज की कमी है तो इसके लिए फूड सिक्योरिटी में ये बहुत, क्योंकि इसकी अगर हम एग्रीकल्चर में देखें तो खेती के लिए पानी की बहुत जरूरत रहती है लेकिन ये कम पानी में होता है इसके लिए ये फूड सिक्योर के लिए भी हमें बहुत मदद रूप बन सकता है। अभी हम देखेंगे कि मिलेट्स क्या है, तो मिलेट्स मुख्य रूप से 8 प्रकार के मिलेट्स है, वैसे उसमें हम आगे चल के एक एक मिलेट्स के ऊपर भी देखेंगे, बट मिलेट्स होते क्या है, मोटे अनाज अर्थात जहां तक हम जानते हैं इसको तो बाजरा के रूप में इसको हम अधिक से अधिक मात्रा में इसका उपयोग करते हैं, ये कम बारिश में होता है, प्लस उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है
ग्लूटेन फ्री, जो ग्लूटेन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स के लिए हानिकारक होता है कभी कभी, उसके लिए ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट हमें हमारा डाइट के अंदर होना चाहिए, वो हमें मिल सकता है, तो इसी प्रोडक्ट के द्वारा हमें मिल सकता है। ये बहुत ही इस रीति से हमें फायदेमंद है, हमारे लिए बहुत ही, हमारे भोजन में इसका अधिक से अधिक मात्रा में अगर हम उपयोग करते हैं तो इसके लिए हमें शक्ति तो मिलती है, एनर्जेटिक फूड है हमारे लिए। लेकिन अगर हम इसको चाहे तो इसका उपयोग दिन में हर एक भोजन के दमन दरमियान हम कर सकते हैं इसको। प्लस ये सूखे के अंदर भी हमें बहुत मदद करता है कि सूखे के अंदर भी हम इसकी खेती कर सकते हैं। मुख्य रूप से इस 8 प्रकार के मिलेट्स को जाना जाता है विश्व भर के अंदर। तो हम एक एक को हम आगे चल के देखते हैं कि किस प्रकार से एक एक मिलेट हमें क्या क्या फायदेमंद रह सकता है। पहले देखिए तो पर्ल मिलेट मतलब कि बाजरा, इसकी अधिक से अधिक खेती होती है भारतवर्ष के अंदर, इसको हम बाजरा के तौर पे ही मुख्य रूप से जानते हैं। और ये विश्व भर के अंदर खास करके अफ्रीका और एशिया के देशों के अंदर इसके फूड सिक्योरिटी के तौर पे इसका अधिक से अधिक खेती करने के लिए यूज करते हैं, ताकि इसके उपयोग हर आम जनता के लिए सहज रीति से मिल सके और सहज सबको प्राप्त हो सके, कम खर्च में और कोई हर कोई अफोर्ड कर सके, इसीलिए इसका खेती अधिक से अधिक मात्रा में होती है। नेक्स्ट है हमारा सोरगम, ये ज्वार, ये भी एक बहुत साधारण और बहुत ही प्रचलित मिलेट है जो हम हमारे रोजिंदा जीवन में यूज करते ही है अभी। और इसको सभी मिलेट का जो वैरायटी है उसके अंदर इसको किंग माना जाता है, और ये स्टेपल क्रॉप है बेसिकली, जो मिलियन लोगों के लिए हम उपयोग में यूज होता है इसका। आगे देखें तो फिंगर मिलेट्स है, ये फिंगर मिलेट्स जो कि रागी है, ये रागी पिछले कुछ वर्षों से ज्यादा प्रचलित हुई है भारतवर्ष के अंदर, पर इसका ईस्टर्न अफ्रीका के देशों में इसका प्रचलन बहुत है, इसका उपयोग भी बहुत है वहां पर। इस प्रकार से अगर हम रागी का भी अगर हम यूज करना चालू करें तो हमको इसके से भी न्यूट्रिशन वैल्यूज मिल सकती है, हमारी सेहत में बहुत हमें लाभकारी हो सकता है ये। आगे देखें तो ये लिटिल मिलेट अर्थात कुटकी, ये जो मिलेट है ये बहुत कम प्रचलित है, ज्यादा लोग इसको जानते नहीं और इंडिया में इसकी खेती कम है, इसीलिए इसके अंदर अगर हम ध्यान देके अगर इसको बढ़ोतरी करना चाहे तो इसका एक अच्छा सा मार्केट हम तैयार कर सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस लाते हुए ये प्रोडक्ट के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं, और बहुत जरूरी है इस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। आगे देखें तो ये बान मिलेट, ये बहुत कम जीने वाला मिलेट है जिसको हर प्रकार की सिचुएशन क्लाइमेटिक कंडीशंस में इसको हम उगा सकते हैं, और ये बहुत अच्छे से खेती करने से इसका हम अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग करने के लिए, जो भी हमारी जनसंख्या बढ़ती हुई उसको भी हम उसका सप्लाई लाइन के अंदर हम करने के लिए एफिशिएंट बन सकते हैं। आगे देखें तो कोडो मिलेट है, कोडो मिलेट हमारे भारतवर्ष में हिमालयन की फुटफिल्स जो है वहां पे उसका अधिकतर हमें उस खेती देखने को मिलती है, और ये भी बहुत प्रचलित मिलेट है जिसका हम उपयोग करने से हमें बहुत ही इसका क्या कहे कि फायदामंद हो सकता है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में इसको हमको प्रचलित करना चाहिए। आगे देखें तो फॉक्सटेल मिलेट, ये जो कंगनी करके इसको पहचाना जाता है खास करके, और ये बहुत पुराने से पुराने अधिकतर इसकी जानकारी सभी लोगों को है, और ये एशिया के सभी देशों में और अफ्रीका के देश सभी देशों में कोई कैसे भी रीजन है जो भी उसमें इसकी प्रचलित ज्यादा है, इसका उपयोग भी उधर ज्यादा है, इसको हम अपने देश में भी इसको हम और बढ़ा सकते हैं और इसको यूज करने के लिए हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, किसान को उगाने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकते हैं इसके। जैसे कि प्रोसो मिलेट कहा गया जिसको चाइना बिस्कारी से भी पहचाना जाता है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत है, ये पूरी जो मिलेट की वैरायटी न्यूट्री सीरियल्स के तौर के इसको पहचाना जाता है, प्लस इसका यूज ह्यूमन फूड में भी होता है, साथ साथ पशु आहार के लिए भी उसका उपयोग होता है, और अभी हमारे जो सेक्टर है ईंधन का सेक्टर इसमें भी इसका यूज हो सकता है, इसकी भी खेती हम अगर बढ़ाते हैं तो हम इसका प्रोडक्शन आगे चलकर हम देखेंगे इसकी खेती कितनी कहाँ कहाँ किस प्रकार से होती है, तो उसके आधार से भी हम चल सकते हैं। आगे देखें तो ये इसकी हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, तो अनेक प्रकार के जो सोरगम है वो उसकी कम हायर टेम्परेचर हो या कम टेम्परेचर में भी उसका खेती हम कर सकते हैं। पर्ल मिलेट में भी ये
फॉलिक एसिड के लिए एक बहुत ही अच्छा स्रोत सोर्स माना गया है। फिंगर मिलेट के लिए कैल्शियम का अच्छा सोर्स माना गया है। प्रोसो मिलेट के लिए भी हम देखें तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर हीट टेम्परेचर समझो ज्यादा हो या कहीं सूखा पड़ गया तो उसमें भी ये हम खेती इसकी कर सकते हैं। इसका अलग अलग नाम से भी हम पहचाना जाता है, वो भी मैंने बताया यहाँ पर कि अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग देश के अंदर इसको किस प्रकार से इसको पहचाना जाता है वो इसमें बताया गया था। फॉक्सटेल का अगर कहे तो इसका भी सेम केस, सॉइल का फर्टिलिटी अगर कम हो तो भी इसके अंदर हम ये शॉर्ट ड्यूरेशन में इसको हम उगा सकते हैं। कोडो मिलेट देखे तो ये फॉलिक एसिड में अगेन अपने को हेल्पफुल है। बान मिलेट देखे तो उसमें भी हम देखे तो ये ज्यादातर पशु आहार के लिए इसका यूज ज्यादा होता है। आगे लिटिल मिलेट जो है उसका भी हम देखें तो वाटर लॉगिंग जहाँ होता है या ड्रॉट सूखा होता है तो उसमें भी इसकी खेती हम अच्छे से कर सकते हैं। तो हर प्रकार की इस प्रकार के मुख्य रूप के जो मिलेट्स है उसकी अगर हम खेती करना चाहें तो इसको हम अच्छे से हम करके हम आगे इसको बहुत विश्व भर के अंदर इसको हम और अच्छे से प्रस्थापित कर सकते हैं। अगर आगे हम देखेंगे कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज क्या क्या है तो यह हमें क्यों हमारे जीवन के अंदर इसका उपयोग बढ़ाना चाहिए ताकि हमारा जीवन जो हमारी व्यवस्था है हमारा आहार जो है वो एक संतुलन बैलेंस डाइट के तौर के ऊपर इसको हम यूज कैसे कर सकते वो इसके हमें पता चलता है। ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। बाद में आगे देखें तो ग्लूटेन फ्री है जो हमें बहुत ही डाइजेस्ट सिस्टम में मददगार बनते हैं। वेट लॉस सिस्टम में भी इसका उपयोग होता है। आगे एनीमिया के लिए भी इसको प्रिवेंट करना हो तो उसमें भी हमें बहुत ही मददकारक है। हमारी बोन की जो हालत है, बोन्स आज कई जगह पर अर्थराइटिस की समस्याएं बढ़ती जा रही है तो बोन्स के अंदर सशक्त बनाने के लिए भी इसको हम मदद रूप रहेंगे। हमारा जैसे डाइजेस्ट सिस्टम के लिए मैंने कहा तो डाइजेस्ट सिस्टम में भी इसका बहुत सारा अच्छा मदद मिलता है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में कहें तो ये जो प्रोडक्ट्स है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट्स है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा खाना है। इसका हम आगे देखेंगे किस रीति से वैरायटी रूप से इसका यूज किया गया है ताकि क्या हो रहा है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनके खाने के लिए वो बड़ी समस्या होती है तो उनको चावल नहीं खा सकते, वो कोई शुगर ज्यादा नहीं ले सकते, ऐसे प्रोडक्ट्स में भी ये मदद करता है। और ये हार्ट डिजीज में तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें मदद रूप है, ये हमने देखा है और ये प्रूवन प्रैक्टिस है। कई जगह पे डॉक्टर्स इसको रेकमेंड भी करते हैं कि ताकि हार्ट पेशेंट्स हो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही गुणकारी प्रोडक्ट है ये। इसका उपयोग किस कृति से कहाँ कहाँ विश्व भर में होता है ये हम देख रहे हैं। अमेरिका कहो, अफ्रीकन देशों में कहो, यूरोपियन देशों में कहो, सब जगह पे मिलेट का उपयोग अच्छे से अच्छे रूप में लोग वहां के करते हैं और मुख्य रूप से इनके बेकिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं उसी में इनका ये उपयोग ज्यादातर करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ रोटी बनाने की प्रचलन पद्धति है। लेकिन विदेशों में अगर हम देखते हैं तो हम जहाँ मैंने ट्रैवल किया मैंने कई जगह पे देखा है कि वो लोग क्या बनाते हैं हमको पता नहीं, लेकिन जब पूछने में आता है तो उनको अलग अलग नाम से बोलते रहती है, मिलेट ही है लेकिन वो उनको अलग नाम से पुकारते इसलिए हमें पता नहीं चलता। लेकिन बाद में अगर देखा रिसर्च किया तो इन लोग का ज्यादा से ज्यादा उपयोग मिलेट का वो लोग करते हैं वहाँ। इसलिए इनका खाने की पद्धति के अंदर देखें तो मुख्य रूप से उनका ये बेकिंग प्रोडक्ट होते हैं और बेकिंग प्रोडक्ट में उन्होंने किस रीति से इस मिलेट के प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छे रीति से चेंज करते हुए अपनी जीवन शैली के अंदर उन्होंने उसका यूज करने का एक अच्छा सा सिस्टम बनाया है। जैसे कि एशियन कंट्रीज के अंदर इसका अधिक मात्रा में यूज होता है, थाईलैंड को, वियतनाम को, नेबरिंग कंट्रीज अपने नेपाल भूटान वहां पर भी इसकी उपयोग का है तो ज्यादा से ज्यादा ये लोग बेकिंग प्रोडक्ट्स में के तौर पर यूज करते हैं इसको। जैसे पाइज है, ब्रेड्स है, उसमें इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग है, तो कुकीज बनाते हैं। ओशियनिक कंट्रीज का है तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की तरफ भी अगर देखें तो इसकी बड़ी मात्रा में खेती भी होती है और वहाँ पे वो लोग उनको उपयोग में भी लेते हैं। हमारे भारत के अंदर भी इसकी उपयोगिता है, बहुत अच्छी तरह से इसकी उपयोगिता है। अगर देखें सोरगम जैसी मिलेट है उसका हम देखें तो उसको पोटेटो इडली की तरह यूज होता है। अगर स्वीट डिश में चाहे तो इसके हम जलेबी बनाते हैं, इसको राइस के तौर में भी हम यूज कर सकते हैं, पुलाव बनाते हैं और अलग अलग व्यंजन के हिसाब से अगर स्नैक चाहिए तो स्नैक के लिए कर ले भाई घर में। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग व्यंजन के आधार से भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर इसके अंदर मात्रा बढ़ाने के लिए अनेक रास्ते से हम इसको अपनाते हैं। अगर हम
बढ़ाते हैं तो हमारा डाइट्री सिस्टम जो है उसको हम बैलेंस करते हुए चला सकते हैं। अगर इसको प्रोडक्ट में देखें तो रॉ फॉर्म में इसको रेडीमेड मार्केट में भी इसके प्रोडक्ट ऐसे अवेलेबल है जिसको हम बढ़ा के इसके अलग अलग इनोवेटिव वे से हम इसको बढ़ाते बनाए तो और वेराइटीज हम डेवलप कर सकते हैं। इसके कुकीज बनाते हुए ऑलरेडी रेडी टू ईट मार्केट के अंदर इसकी अवेलेबिलिटी है और विश्व भर में इसको इस रीति से यूज भी करते हैं। कई जगह पे नूडल्स के तौर में जो एशिया के कंट्रीज उसको नूडल्स के रूप में भी यूज करते हैं। तो ये बहुत प्रचलित है कि कैसे हम इसका उपयोग करते हुए ये अपने जीवन के अंदर इसको इन्वॉल्व करना चाहिए। लेकिन अधिकतर मात्रा में देखा गया है कि 1965 से जब ग्रीन रिवॉल्यूशन, आगे की स्लाइड में मैंने बताया है कि इसका उपयोग कम होते गया है और इसकी जगह गेहूं और चावल की हमारा उपयोग ज्यादा हो रहा है। तो उसकी वजह से हमें जो न्यूट्रिशन वैल्यूज बैलेंस डाइट होना चाहिए वो बैलेंस डाइट नहीं रही है और इसका रेडी टू हीट मार्केट बहुत बड़े अच्छे से आज कैप्चर होने के लिए हमारे पास इसका आगे चलकर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। हम कई जगह पे हम इसका ऐसे क्योस्क बना के मतलब वेंडिंग मशीन के तौर पे उसको हम रख देवे तो किसी भी स्थान के ऊपर हम उसको यूज कर सकते हैं और इसका जितना हम मार्केटिंग करेंगे तो उसका प्रचलित बढ़ेगा, उसका सेल्स बढ़ सकता है और हमें इसके बारे में और से और प्रोडक्शन के जो करते हैं करेंगे तो उसका मार्केट भी इतना हमें मिलेगा जो आगे की स्लाइड में मैंने बताया है। अगर ये विश्व भर का अगर सिनारियो देखें तो अफ्रीका देशों के अंदर भी इसका प्रोडक्शन देखें तो 423 लाख टन का प्रोडक्शन है। ओवरऑल देखिए अमेरिका का हो, एशिया का हो, सब जगह पे इसका प्रोडक्शन होता है। उस प्रकार भारत के अंदर देखें तो 173 लाख टन का प्रोडक्शन है। तो टोटल अगर मार्केट देखें तो 863 लाख टन का मार्केट है अपने पास। अगर ये आज की तारीख में है, अगर हम इसको हमारे एमसीएल के मॉडल के अंदर इसको डालते हुए अगर हम देखें आगे चल के हम इसको हमारे किसानों के द्वारा हम इसको ऑर्गेनिक पद्धति से बनाएंगे तो इतनी बड़ी मार्केट है अवेलेबल है ऑलरेडी जिसके अंदर हम ये अपना प्रोडक्ट अगर बेचेंगे तो अवेलेबिलिटी वाइज हमें बहुत बड़ा रिसोर्स मिल रहा है कि इतनी बड़ी अवेलेबल मार्केट है हमारे लिए। अगर भारत में देखें तो 80% हमारा देखें तो ये प्रोडक्शन इसमें ग्लोबल 20% शेयर है और 80% हमारा इंडिया का है इसके अंदर। आगे देखते हैं भारत में अलग अलग स्थान के ऊपर ये मिलेट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो ज्यादातर देखें तो पूरे भारतवर्ष के अंदर सभी जगह पे इसकी खेतियां होती है और लोग इसको प्रोडक्शन में ला भी रहे हैं। लेकिन हमें और भी इसे बढ़ाना चाहिए ताकि हम विश्व भर में हम अपना ये मिलेट्स, इंडियन मिलेट्स को हम एक अलग स्थान दे सके। अगर हम देखें तो अलग अलग मिलेट्स की कहां कहां किस प्रकार के परसेंटेज वाइज इसकी प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर ये देख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम देखते हैं तो पर्ल मिलेट अर्थात बाजरा जिसकी 60% खेती होती है और ये सोर्गम जो ज्वार वो हमारा अधिकतर मात्रा में यूज होता है वो भी 27% तक हमारे इसका प्रोडक्शन है और बाकी के सब मिलेट्स छोटे मोटे मिलेट्स मिला के उसका 2 कम है और रागी के। तो हमें ये जो कम खेती कर रही है उसके ऊपर भी फोकस करते हुए इसका प्रोडक्शन अगर हम करते हैं तो इसके आधार से हम आगे चलकर इसके प्रोडक्ट्स लाइन में हम बढ़ोतरी करते हैं तो इसकी अलग अलग वैरायटीज बना के इसको हम आगे प्रोडक्ट लाइन बढ़ा सकते हैं, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इंडिया के अंदर देखें कौन से स्टेट के अंदर हमने इसका प्रोडक्शन देखा है तो ज्यादातर देखें तो राजस्थान में इसकी खेती ज्यादा होती है, उत्तर प्रदेश में देखें तो 20% मिलता है, गुजरात में भी है, हरियाणा में भी है और अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग प्रकार से कम मात्रा में भी उसका खेती हो रहा है। तो इन इन राज्यों के अंदर हमारे पास कितने सारे किसान हैं, उनको हम अगर इसके बारे में अवेयरनेस लावे, उनको अगर हम इसके बारे में मदद रूप बने, उनको हमारे बतावे कि हम इस किस प्रकार से इसका हम प्रोडक्शन बढ़ावे। अगर आधे एकड़ में से भी वो चालू करते हैं तो इसके आधार से हम हमारा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और विश्व भर के जो मार्केट है उसमें हमारा भारत का शेयर हम बढ़ा सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि इंडिया के प्रोडक्शन कैसे होते थे। हमारा बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन इसका उपयोग था, बाद में जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन होने के बाद जैसे मैंने कहा कि वीट अर्थात कि गेहूं और चावल का उपयोग ज्यादा होने की वजह से मिलेट का उपयोग बहुत कम होते गया और इस प्रकार से हम ये क्यों जरूरत पड़ी कि भारतवर्ष में और यूनाइटेड नेशंस ने क्यों कहा कि इसको हम अंतर्राष्ट्रीय उत्सव के तौर पर मनाया जाए ताकि अवेयरनेस आए। तो अवेयरनेस लाने के पीछे रहस्य ये है कि खाद्य पदार्थ आगे चलकर हमको कहीं
सूखा हो जावे, कहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बैड इंपैक्ट पड़ती है हमारे खेत एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो उसके अंदर हम इसको ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत इसको ये जो मिलेट्स भूलते जा रहे हैं उसको हम फिर से लाना चाहिए। हालांकि हमारी मिलेट्स जो हमारी ओरिजिनल तो हम वही खाते थे, लेकिन जब से ब्रिटिश राज आया था तब से ये हमें गेहूं और चावल की आदत ज्यादा डाली गई। इस प्रकार से हम देखें तो मिलेट्स हम भूलते जा रहे हैं, लेकिन उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को अगर देखें तो उसको हमें वापस फिर से हमारे जीवन के बैलेंस डाइट के तौर के ऊपर उसको बैलेंस करने के लिए हमारे जीवन में उसको उपयोग करना बहुत ही आवश्यक है आज की तारीख। अगर एडवांटेजेस देखें तो ये पूरे इकोसिस्टम, अगर सारी मिलेट्स का पूरा सिस्टम इकोसिस्टम अगर हम देखें तो उसके अंदर ये क्या हमें फायदाकारक है तो वो हमें देखेंगे इसके अंदर। कि ये पहले तो समाज के और पर्यावरण के लिए बहुत की अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें हम इसको अगर फिर से इसका रिस्टोरेशन, मतलब कि हम फिर से इसका खेती के ऊपर ध्यान दें, हमारे किसानों को उसको ध्यान फोकस करवाएं, तो ये एक उनकी आय में, उनकी सिस्टम में और पूरी इकोसिस्टम में वो बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। अगर हमारी आबादी जो बढ़ती जा रही है देश की, उसकी एवर इंक्रीजिंग डिमांड जो हमारी है खाने के प्रोडक्ट के लिए, वो प्रोडक्ट के लिए भी हम अगर देखें तो उसमें ये मिलेट का इन्वॉल्वमेंट करने से हमको बहुत ही इसका लाभकारक हम सिचुएशन उत्पन्न कर सकते हैं। पूरी इकोसिस्टम में अगर देखें तो हमारे जो छोटे छोटे किसान हैं ये फूड सिक्योरिटी के लिए भी वो देश के अंदर कुछ अपना योगदान देकर अपना जीवन के अंदर ये आय बढ़ाने में भी कहो या पूरे समाज के लिए भी एक वरदान साबित कर सकते हैं हमारे किसान। दूसरा देखें तो ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है ये, डायबिटिक कंट्रोल में काम आता है, डायट्री फाइबर में भी ये काम आता है, तो पूरे इकोसिस्टम पूरी जनसंख्या के लिए बहुत लाभकारक हो सकता है। इसी ये एडवांटेज हमें इसका, ये अपॉर्चुनिटी को हमको ग्राफ्स करना चाहिए। जैसे कहा कि ये कम मात्रा के पानी में भी इसका हम खेती कर सके। अगर हम कंपैरिजन देखें तो गेहूं को उगाने के लिए 650 mm का रेनफॉल की हमें आवश्यकता होती है, जबकि मिलेट के लिए उसकी आधी से देखो तो भी उसमें ऐसा है। मेज देखो तो उसमें भी अपने को ज्यादा चाहिए, राइस देखो तो उसमें भी ज्यादा चाहिए। तो कम मात्रा के पानी में भी हम इसकी खेती करते हैं, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे पूरी एग्रीकल्चर सेक्टर के। आगे देखते हैं कि अलग अलग गवर्नमेंट ने इसके लिए अभी तक में क्या क्या काम किया है। तो अगर देखें तो ओडिशा गवर्नमेंट सबसे आगे है, ओडिशा के अंदर ही मिलेट मिशन के तौर पे उसको चलाया जा रहा है, और खाने की जो व्यवस्था है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट की, उसके अंदर एवरी डे स्कूलों के अंदर भी बच्चों को आफ्टरनून मील जिसको देते हैं उसमें भी इसको इन्वॉल्व किया गया। 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका उपयोग किया है। कर्नाटक सरकार ने अगर इसका फार्मर्स को हेक्टर के पीछे 10,000 रुपए के एक इंसेंटिव के तौर पे ऊपर देने के लिए भी ऐलान किया हुआ। महाराष्ट्र में भी इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसी प्रकार तेलंगाना में भी इसको किया गया है। अगर आगे चल के देखें तो पूरे राज्य के अंदर, पूरे देश के अंदर भी हम अगर देखें तो इसके अंदर और से और हम इसको कैसे बढ़ावे, तो इसके लिए हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के जो है वो हमको इसमें हेल्पफुल है। और खास तौर के हमारे ये जो पूरे सिस्टम को अगर हम भारतवर्ष में लागू करना चाहे तो हमारे MVPs का इसमें अहम रोल हम यूज कर सकते हैं। हमारे तहसील के हमारे MVP को हम एजुकेट करते हुए उनको हम प्रोत्साहित करते हैं कि अगर आप देखो कि इसके आपके विलेज के अंदर जो जो किसान हैं उनके लिए ये आप कैसे प्रकार से खेती करवाएंगे तो आप पूरे भारतवर्ष के लिए इसका आप एक मिसाल बनने के लिए आप काम आ सकते हो। तो इस प्रकार हमारे MVP जो है, अगर उनको किसान को अगर प्रोडक्शन कैसे करना है उसके लिए माहिती चाहिए तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर उसमें सक्रिय रूप से हमें मदद रूप है। न्यूट्रिशन हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जानकारी देनी हो तो हेल्थ और फसाई के जो डिपार्टमेंट है वो हमें हेल्पफुल करते हैं। वैल्यू एडिशन जिसको कहते हैं, जिसे क्या है कि रेडी टू ईट प्रोडक्ट मार्केट है, इसके लिए इसका प्रोसेसिंग करवाना चाहे, इसको नया रूप से आप ब्रांडिंग करना चाहे तो इसका लिए हमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हमें हेल्पफुल है इसके लिए। एंटरप्रेन्योरशिप अगर डेवलप स्टार्टअप के तौर पर अगर कोई किसान कोई गांव के अंदर नहीं भी कर रहे तो एक स्टार्टअप के तौर के ऊपर भी इसका हम प्रोत्साहन, इसका प्रोडक्शन करने के लिए हम एंकरेज कर सकते हैं हमारे किसानों को। उसके लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है, कॉमर्स डिपार्टमेंट, वो हमें हेल्पफुल है। अवेयरनेस के लिए, हमें ब्रांडिंग लेवलिंग के लिए तो सभी प्रकार की मुख्य रूप से कॉमर्स डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है, वो हमें बहुत ही मदद रूप बनता है। और इंटरनेशनल आउटरीच में भी कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी हमें बहुत सारा इसका
प्रावधान मिल सकता है इसमें, और बहुत सारे फैसिलिटीज भी है इसके। अगर हम इनकी वेबसाइट पे जाके अगर देखें तो बहुत सारी फैसिलिटीज भी है जो हमें यूज करते हैं, उसकी स्कीम के बारे में जानते हैं तो हम हमारे किसानों को तक वो ले जाते हैं। MVP की मदद से हम हमारे किसानों को बहुत कुछ लाभदायक बन सकते हैं। पॉलिसीज अगर गवर्नमेंट की नई नई आती है तो फूड डिपार्टमेंट से हमें इसकी जानकारी मिल सकती है। तो ये विविध प्रकार के डिपार्टमेंट्स की हम हेल्प लेते हुए इसको हम अच्छी तरह से अच्छे से अच्छे रूप में प्रोडक्शन करवा सकते हैं, अच्छे से अच्छे मार्केट दिला सकते हैं, और हमारे किसानों को हम अच्छे से अच्छी रीति से, आज जो कई राज्यों के अंदर हम देखते हैं कि किसानों को खेती करने से उनकी फैमिलीज की मेंबर्स दूर होते जा रहे हैं, तो एक नए स्टार्टअप के तौर पे इसको हम फिर से हमारी सिस्टम इकोसिस्टम में उनको लाने के लिए हम उनको एक प्रोत्साहित करके हुए ये एक सिस्टम नया प्रोडक्ट लाइन देते हुए हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं। आगे देखें तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अच्छे से इसको प्रमोशन करने के लिए भी हमें एक अच्छा सा टूल दिया हुआ है, जिसमें सरकार चाहती है कि हम एक शपथ विधि ले ताकि हर एक को एक इसकी जानकारी मिले। तो मैंने इसमें साइट पे एक लिंक दी हुई है, ये लिंक गवर्नमेंट की लिंक है, गवर्नमेंट की साइट है, गवर्नमेंट ने स्पेशल एक वेबसाइट बनाई हुई है इसके लिए, और उस पे जाके हम एक शपथ विधि लेने के लिए सरकार हमें भारतवर्ष के अंदर सभी नागरिकों को आह्वान कर रही है कि आप आके इसका प्लेज लो, शपथ विधि करो एक कि हम हमारे जीवन में इसका उपयोग कैसे करेंगे। ये अगर हम साइट पे जाते हैं तो ऐसा इस प्रकार से एक ऑनलाइन फॉर्म आता है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन सिर्फ हमें इसमें शेयर करनी है कि हमारा नाम देना है, मोबाइल नंबर देना है और ईमेल देना है, पिनकोड से ये फॉर्म छोटे से 4-5 विगत हमारी भरते हुए हम इसको ऑनलाइन जब सबमिट करते हैं तो इस प्रकार से एक हमें शपथ विधि का 4 पॉइंट का मैटर आता है हमारे सामने कि हम क्यों क्या क्या शपथ ले रहे हैं, ये बताया गया है कि हम हमारे जीवन में कम से कम एक बारी का मिलेट का उपयोग करेंगे, एक हमारा भोजन या लंच में या डिनर में हम इसका उपयोग करेंगे, इस प्रकार से अलग अलग आत्मनिर्भर हम बन सकते हैं, उसके लिए हम शपथ विधि कर रहे हैं। क्लाइमेट के लिए हम हेल्पफुल बनेंगे, क्लाइमेट चेंज के लिए हम मदद रूप बनेंगे, इसके लिए हम शपथ ले रहे हैं। और आगे देखते हैं कि जो जीरो हंगर, जो फूड सिक्योरिटी चाहिए, उसके लिए भी हम कार्यरत रहेंगे, इस प्रकार से हम शपथ लेते हैं। तो हमें ये जब सबमिट करते हैं तो ऐसा सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो हमारे किसानों को एक उत्साह भरा मिलेगा कि भाई चलो हमने कुछ किया है तो हमने भी देश के लिए, वो तो अन्नदाता तो है ही है, हमारे MCL के मॉडल से वो ऊर्जादाता भी बनेंगे, लेकिन इस प्रकार से एक नया प्रोडक्ट लाइन मिलेगा उनको, तो ये प्रोडक्ट लाइन के आधार से भी वो अपनी आय में भी बढ़ोतरी कर सकता है, एक नया कुछ उसने जीवन में किया है और एक सर्टिफिकेशन मिलते हो तो उनको एक उमंग उत्साह भी बढ़ाते हैं सरकार। इस प्रकार सरकार की भी हमें बहुत कुछ इसमें मदद मिल रही है, सरकार भी चाहती है कि हमारा भारतवर्ष में एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे आगे रहे और सबको इसका लाभ मिले, इसके लिए सरकार भी इसका फोकस ऊपर रहता है। तो इस प्रकार से हम सर्टिफिकेट देते हुए तो हम किसानों का उमंग उत्साह बढ़ा सकते हैं, उनको एक नया एक्टिविटी के तौर के ऊपर उनको ये हम आगे प्रोत्साहित कर सकते हैं। इस प्रकार से हम मिलेट के ऊपर देखा कि इस प्रकार हम अलग अलग रीति से मिलेट को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं अपनी तहसील के अंदर, ये हमने इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, और हमारे MVP के मदद से हम अपने किसानों को हेल्पफुल बनना की कोशिश जरूर करनी चाहिए। मैंने बहुत शॉर्ट टाइम में ये बहुत कुछ तैयार करते हुए कोशिश की है कि अधिक से अधिक माहिती दी, मुख्य रूप से क्या प्रोडक्ट है क्या है, हालांकि हमारा सेक्टर तो एग्रीकल्चर ही है, लेकिन फिर भी इसमें एक छोटा सा प्रयास किया गया कि जिसमें जो ये भूलने वाली चीज हो गई है कि लोग इसको कम पहचानते हैं, तो इसको एक और बढ़ोतरी मिले, इसके लिए मैंने प्रयास करते हुए, मैं समझता हूँ सभी को ये उपयोगी इन्फॉर्मेशन रही होगी, और हम सब मिलके इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के तौर पे सरकार के साथ मनाते हुए विश्व भर में हम आगे देखें कि कैसे हम अपने आप को, और ये MCL का जो अपना बिजनेस मॉडल है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम देश और विदेश की अच्छे से अच्छी रीति से इस प्रोडक्ट के द्वारा भी हम सेवा करें। हमें CBG और MPOL के प्रोजेक्ट करने ही है, लेकिन साथ साथ अगर ये करें इसके साथ भी एक हमें प्रोडक्ट लाइन नई मिल रही है, तो इस पे भी हम अगर फोकस करते हैं तो इसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी आधार से मैंने ये प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया, उम्मीद करता हूँ सभी को उपयोगी लगा होगा।